टाइम से मेरे साथ तेजेंद्र सिंह हैं जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जिस तरह से पवन जायसवाल के साथ ये पूरी घटनाक्रम आया, ये पवन जायसवाल के साथ, ये तमाम उन पत्रकारों के साथ ऐसी घटना हो सकती है, आपके साथ हो सकती है, मेरे साथ हो सकती है, और तमाम उन लोगों के साथ जो वैकल्पिक मीडिया के तौर पर काम करते हैं। वैकल्पिक मीडिया मैं ये कहूँगा कि जो एक खोजी पत्रकारिता होती है, हमने भी वो की है, और मैं भी अगर बात करें काफ़ी चैनलों में काम किया है, और जो चैनल्स में हम काम करते हैं वो एक स्टोरी, खासकर वो लोग जो स्टिंगर बेस पर काम करते हैं वो खोजी पत्रकारिता करते हैं, वो अपनी स्टोरी को खोजते हैं और उसे ये इस तरह से पेश करते हैं या इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि चैनल उसे प्रभावित होकर चैनल उसे जल्दी से एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है। आज आप देखेंगे जितने चैनल्स हैं उनमें सब में एक जिले में तीन तीन चार चार पत्रकार घूम रहे हैं इस चैनल के, तो वहाँ पर एक कंपटीशन पैदा हो जाता है। कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि आप किसी गलत खबर को दिखा दें, क्योंकि तथ्यात्मक खबरें होंगी। आज के टाइम में आप प्रिंट नहीं है, आप कुछ भी चाहेंगे कुछ भी लिख देंगे, ये अपने मन में आएगा वो लिख देंगे। आज के टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का है, तो उसके लिए प्रूफ है, और प्रूफ के तौर पर क्या करें, आपको विजुअल दिखाने पड़ेंगे, तो विजुअल, और जैसा विजुअल होगा वही आप बताएंगे, वही दिखाएंगे। अच्छा, इस स्टोरी को ऐसे पत्रकार, आपको क्या लगता है क्या गलत है उसमें? देखिए, इसमें गलत कुछ नहीं है, इसमें सरकार जो है वो अपने तानाशाही रवैये के साथ सामने आ रही है, और वो जाहिर तौर पर ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो पवन जायसवाल जैसे जो पत्रकार हैं वो सावधान हो जाएं कि उनके लिए भी जेल का दरवाज़ा खुला है, अगर सरकार से पंगा लेंगे तो उनके लिए भी क्या हो सकता है और कहाँ वो जा सकते हैं, ये सोच लें और देख लें। तो ये एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो जो संविधान में आर्टिकल 19 जो अधिकार देता है उसका गला दबाने की कोशिश की जा रही है। आप ये एक महज एक पत्रकारिता का नहीं है, ये आर्टिकल 19 जो है उसका गला दबाने की कोशिश की जा रही है। अब आप जान लीजिए कि आप भी हो सकते हैं, कल तेजिंदर सिंह भी हो सकता है, और भी कोई हो सकता है। तो ये सरकार की एक मंशा है कि जो सच दिखाएगा या सरकार के खिलाफ जाएगा उसका क्या हाल हो सकता है, मैं इसे इस तरह देखता हूँ। लेकिन हाँ, ये सब ये नहीं है कि हम इस सरकार के इस रवैये को देख कर डर जाएं, अपने अंदर वो चीज़ छोड़ दें, नहीं, हमें लड़ता रहना है, और संविधान से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। अगर आप संविधान के अनुपालन करते हैं तो संविधान ये हमें अधिकार देता है, ये हक देता है कि हम उस गलत चीज़ की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहें, चाहे किसी भी माध्यम से। अच्छा, कई सारे पत्रकार हैं बड़े जो मिनिस्ट्री मीडिया में काम करते हैं, उनके साथ ये समस्या आई, जिसमें वाजपेयी हैं, पुण्यप्रसन्न वाजपेयी हैं, अभिषार शर्मा हैं, और रविश कुमार की भी कई तरह की इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि उनको धमकी दी जा रही है, गाली गलौज दी जा रही है। अब वो स्थिति एक ऐसे पत्रकार की आ गई है जो रीजनल एरिया पर जाकर, ज़मीनी स्तर पर जाकर रिपोर्ट करता है, तो क्या सरकार को वाकई सवाल करने से डर लगता है? देखिए, जितने भी फेमस चेहरे हैं, ठीक है, मेनस्ट्रीम मीडिया के, चाहे तो आज वो किसी अच्छे चैनल में नहीं है, ना उनके पास, वो अपना अपना पोर्टल चला रहे हैं, और उनके पास पब्लिक सपोर्ट है, ठीक है, उनके सरकार उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास पब्लिक सपोर्ट है और उनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर भी हैं, ठीक है, तो ऐसे में सरकार का ये कदम उल्टा पड़ सकता है। लेकिन जो छोटे शहरों में आते हैं लोग और उनकी शायद इतनी फैन फॉलोइंग ना हो, इतने उनके सपोर्टर ना हो, उनको टारगेट कर कर ये जरूर दिखाया जा सकता है कि जिला स्तर पर अगर इस तरह कोई हरकत करेगा तो उसको ये मतलब डर का माहौल पैदा करने का। आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगा उन पत्रकारों के लिए जो आज भी कहीं ना कहीं टीवी पे चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं, अपनी अच्छी जॉब कर रहे हैं, उन्होंने कोई भी इस ना तो स्टोरी को दिखाया है कि पुलिस योगी सरकार ने कार्रवाई की है, और ना ही वो दिखाना चाहते हैं इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, चाहे वो अंजना को ले लो, चाहे वो दूसरे जो बड़े चैनल हैं, जी न्यूज़ है, आज तक है, जिनके जहाँ से मुद्दा क्रिएट हो सकता है, ये मुद्दा जो कार्रवाई हुई है उसको हटा सकती है सरकार, पीछे बैकफुट पर जा सकती है, लेकिन उन्होंने नहीं किया है, ऐसा क्या वजह है? क्या ये कैसे कर देंगे आप, ये बताइए राजा साहब कि उनकी दुकान कहाँ से चल रही है आपको पता है, और चैनल को चलाने वाले वो पत्रकार नहीं है, उनकी नज़रों में वो सरकार है जहाँ से उन्हें मोटा मोटा विज्ञापन मिलता है, अगर आप उसके सपोर्ट में बोलेंगे तो अपनी दुकानदारी बंद कर लेंगे, और ये तो हो ही रहा है। चाहे कोई कितने ही अपने मेकअप कर टीवी फ्रेम, मतलब कैमरा फ्रेम कर और टीवी पर आए, उससे मतलब नहीं है, वो ठीक है थोड़ी देर बकबक करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करता है, जो एक रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर और खबर तैयार कर, मैं चाहता हूँ जो चैनल है, अगर असलियत में जो चैनल की रीड है ना, वो एक रिपोर्टर है जो जिला स्तर पर रिपोर्टिंग करता है, ये एंकर नहीं है जो अपना फेस लेकर और टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर सारी चीज़ पढ़कर बस चल गए। लेकिन ठीक है,
रीढ़ वो है, उस रीढ़ को अगर आप उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो आपकी ये दुकानदारी भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, टीवी देखना लोग बंद कर देंगे। और आज हो भी यही रहा है, टीवी कोई देख नहीं रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर जो बात सच सच कही जाएगी उसी को लोग देखेंगे और उसी को पसंद करेंगे। तो ये इनकी अगर यही हालात रहेंगे तो ये कुछ ही दिन का इनका काम है, वो चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। विवेक कुमार हमारे साथ हैं जो दलित न्यूज़ नेटवर्क चलाते हैं, कैसे देखते हैं पूरे मामले को पहली प्रतिक्रिया? बहुत ही दुखद घटना है, इस देश में मीडिया का हाल बहुत बदतर है। देखो पहले तो हमें समझना पड़ेगा संरचना क्या है। एक तो उसको औद्योगिक घराने चलाते हैं, कॉर्पोरेट के हाथ में है मीडिया। प्रिंट मीडिया प्रयास भी करता है कि हम स्वतंत्र रूप से काम करें, सरकारों के ऊपर सवाल उठाएं, लेकिन आप देखिए उसको क्या कहा गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगाई गई उसके ऊपर। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब है कि सरकार के खिलाफ वो षड्यंत्र कर रहा है। आप अगर बच्चे नमक से और रोटी से खाना खा रहे हैं और वो दिखा रहा है, उसमें क्या गुनाह किया? सरकार की खामियों को एक्सपोज करना किसका काम है? अब जनता को देखना पड़ेगा कि क्या उसने जनता की बात उठाई या नहीं। लेकिन हो ये रहा है कि जो वर्तमान सरकारें हैं वो धर्म, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का इस्तेमाल करके सत्ता पे काबिज हुई हैं। अब जो भी इनके खिलाफ बोलेगा मतलब सरकार मतलब हो गया देश, जबकि हमें समझना पड़ेगा कि स्टेट और गवर्नमेंट में फर्क होता है। आप सरकार को कोस सकते हैं लेकिन आप देशभक्त रह सकते हैं, और सरकार को कोसना, सरकार के कामों में कमियां निकालना एक पत्रकार का काम है। और मैं तो कल रिपोर्ट देख रहा था, वो डीएम उससे पूछ रहे हैं कि भाई आप तो प्रिंट के पत्रकार हो ना, फोटो लेते, आपने वीडियो क्यों बनाई? लेकिन शायद डीएम साहब ये भूल गए हैं, अभी एक डीएम साहब को तो ठीक किया है पूरे बहुजन समाज ने, डीएम साहब ये भूल गए हैं कि जो आजकल अखबार होते हैं वो भी सोशल मीडिया पे अपने अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी वेबसाइट पे वीडियो रिपोर्ट्स भी बनाते हैं। तो ये बड़ी बुरी स्थिति है। एक रोहित सरदना पत्रकार हैं, आप जानते हैं, आज सुबह उनकी ट्वीट पढ़कर आ रहा हूँ, चिंता जता रहे हैं वो इस पूरे प्रकरण के ऊपर। अब देखिए कि क्या माहौल है, क्यों नहीं, वो तो दंगल करते हैं ना, हाँ क्यों नहीं किया दंगल? अब देखिए जिस व्यवस्था को वो पोषित कर रहे थे, जिस व्यवस्था के वो मुरीद बने हुए थे और जिस व्यवस्था के सामने वो सवाल नहीं उठा पाते थे, आज उस व्यवस्था पे वो सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कल को उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। और अगर यही परिपाटी रही, यही परंपरा रही, तो सरकारें बदलेंगी और ये सारे पत्रकार नपेंगे। अच्छा, सरकार की नज़र में किस चीज़ को पत्रकारिता माना जाए? जैसे अभी इसको एक इतने तरीके का वो लगाया है, FIR किया, तो क्या लगता है कि कौन सी पत्रकारिता उनके लिए सही है? एक बात बताइए, अगर वो पत्रकार ना भी होता, एक आम आदमी होता, क्या एक आम आदमी को प्रशासन की किसी भी काम में खामियां मिले तो क्या वो उसकी वीडियो बना के पूरे देश को नहीं बता सकता क्या? ये तो आप नॉर्थ कोरिया वाला हिसाब बता रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया में आपको जय जयकार करनी ही होगी, तो वो व्यवस्था तो नहीं आई है। या तो घोषित करिए कि इस देश में नहीं है कानून व्यवस्था, संवैधानिक अधिकार नहीं है, और अगर है तो फिर ये हरकत नहीं होनी चाहिए। ये पहले तो सिर्फ मोदी जी के लिए ऐसी खबरें आती थी कि सवाल पूछना सही नहीं है, अब लगता है कि एक स्टेट के सीएम के लिए भी सवाल पूछना ठीक नहीं है, माहौल बदल रहा है। स्टेटमेंट सुनकर आ रहा हूँ मैं आज टीवी में, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में आया है अभी मामला, अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों की भरमार है जो इस तरह की निरंकुशवादी रवैये को गलत मानते हैं, लेकिन क्या करें, उनकी आवाज़ दबी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया।